हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिस तरीके से सीरियल में सीन्स दिखाए जा रहे हैं उसके आधार पे हम ये बात कह रहे हैं। दरअसल अनुपमा को चल गया है पता कि उसकी आद्या आखिरकार कहाँ है और इतने दिनों से वो कहाँ गायब थी। क्या वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अनुपमा को ये बात पता चल गई है कि आद्या यूएस के एक चाइल्ड केयर सेंटर में है, जहाँ पे अब वो यशदीप को कॉल करके बताती है कि यशदीप सर, ये यूएस का चाइल्ड केयर सेंटर का नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करिए और यहाँ पे आप पता कीजिए कि आखिरकार मेरी बेबली कहाँ है, मेरी बेबली आखिरकार इतने दूर कैसे रह सकती है। अब आपको बता दें कि जब यशदीप कॉल करता है तो उसे कुछ और ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है कि वहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन अनुपमा को मिलती है तो भाई अनुपमा अपनी बेटी आद्या से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है और वो यूएस चली जाती है। जी हाँ, सीधे वो जाती है और वहाँ से फ्लाइट लेती है, यूएस चली जाती है। जहाँ पे जैसे ही वो यूएस पहुँचती है तो उसने अपनी आँखों से देखा कि उसकी बेटी के साथ कैसे बदसलूकी किया जा रहा है। दरअसल आद्या लगातार कॉल कर रही थी अपनी मम्मी को, अपने पापा को, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा था। वो वहाँ से भागने के फिराक में थी, उसने अपना सूटकेस भी पैक कर लिया था, लेकिन उसी समय उसका फ़ोन छीन लिया जाता है और जैसे ही उसके ऊपर छड़ियाँ बरसाने की कोशिश की जाती है कि अनुपमा वहाँ पहुँचती है और सीधे अपनी बेबली यानी कि आद्या को गले लगा लेती है और गले लगा कर कहती है कि तू आखिरकार इतने दिन दूर मेरे से कैसे रही, क्या तुझे अपने मम्मी और पापा की याद नहीं आई। इसके बाद ही अब अनुपमा आद्या को बताती है अनुज का सच कि अनुज का क्या हाल है, अनुज किस हाल में है। लेकिन यहाँ पे अब आद्या को अनुपमा बचा तो लेती है, लेकिन यूएस के एक अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। क्या आद्या को अनुपमा के साथ वो लोग ले जाने देंगे? क्या आखिरकार आद्या रेडी हो पाएगी? क्या आद्या अनुपमा के साथ इंडिया जाएगी या फिर वो चाइल्ड केयर सेंटर वाले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें लिख के जरूर बताइएगा।